लास्ट टॉपिक में हमने देखा था व्हाट इज डेटाबेस जॉइन एंड टाइप्स ऑफ जॉइन, और आज हम देखेंगे व्हाट इज डेटाबेस की एंड टाइप्स ऑफ की. ओके, इन अ डेटाबेस की एनी एट्रीब्यूट्स इन द टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल इज कॉल्ड अ की. जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवाते हैं इन अ डेटाबेस वो टेबल के फॉर्म में होती है. इन टेबलों के अंदर जो भी यूनिकली कॉलम को जो हम डिफाइन करते हैं दैट्स कॉल्ड की. की आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. इट कैन बी सिंगल एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. जो भी की देते हैं उसके अंदर एक सिंगल एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है और उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, एक स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट जैसे कि बहुत सारे कॉलम है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, एड्रेस. बट इन दिस टेबल के अंदर जो भी यूनिकली हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा कोई एट्रीब्यूट तो दैट्स कॉल्ड स्टूडेंट आईडी. ओके, सो स्टूडेंट आईडी इज अ की आइडेंटिफायर रिलेशन बिटवीन टेबल, तो दैट्स कॉल्ड की. टाइप्स ऑफ की, डेटाबेस सपोर्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ की. डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट की डिफाइन कर सकते हैं. वन बाय हम देखेंगे. फर्स्ट इज प्राइमरी की, सेकंड इज कंपोजिट की, कैंडिडेट की, सुपर की, देन अल्टरनेट की, यूनिक की, फॉरेन की एंड सरोगेट की. ओके, ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की. इन सब की को हम डेप्थ में वन बाय देखेंगे. फर्स्ट इज प्राइमरी की. जैसे कोई डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल है और टेबल के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्ड के अंदर और वो सिंगल या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट से जो भी हम की डिफाइन करेंगे दैट्स कॉल्ड प्राइमरी की. प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बिकम अ मेन की ऑफ द टेबल. जो प्राइमरी की होगी, जो टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे उसमें से जो यूनिक एट्रीब्यूट्स जो भी जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे वो वहां टेबल की मेन की होगी. इट इज अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. उसकी मदद से हम इजीली प्राइमरी की मदद से यूनिकली किसी भी डेटा को इजीली रिट्राइव और एक्सेस भी कर सकते हैं. ओके, प्राइमरी की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की शैल बी यूनिक. जो भी टेबल के अंदर जो भी हम एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होंगे, कॉलम होंगे, उसके अंदर जो कॉलम को हम प्राइमरी की देंगे वो एकदम यूनिक होना चाहिए. सेकंड, द प्राइमरी की सेल ऑलवेज हैव अ वैल्यू नॉट नल. दैट मींस जो भी प्राइमरी की जो भी एट्रीब्यूट्स जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा होनी ही चाहिए, कभी भी नल नहीं होनी चाहिए. और द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की शुड नॉट चेंज. दैट मींस जो भी प्राइमरी की के अंदर जो भी हम वैल्यू एक बार डिफाइन हो चुकी उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं. प्राइमरी की कुड टेक एन आर्बिट्ररी नंबर, दैट मींस ऑटो इंक्रीमेंट. जिस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं उस प्राइमरी की को हम ऑटो इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं. तो जितने भी डेटा वन बाय इंसर्ट होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4. ओके, द प्राइमरी की इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफरेंस दिस अदर टेबल, दैट्स कॉल्ड फॉरेन की. जो भी टेबल के अंदर हम प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं उस प्राइमरी की को हम दूसरे टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की भी यूज कर सकते हैं. दैट मींस रेफरेंस इसके तौर पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके, इसको हम इजीली जैसे कि कोई एग्जांपल के थ्रू समझे तो इजी पता चलेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइमरी की है, ब्रांच इन्फो टेबल है, ये एक ब्रांच का एक पूरा टेबल दिया हुआ है. इसके अंदर ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड, इतने सारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं. इसके अंदर हम यूनिकली देखें तो ब्रांच आईडी एक यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी. ओके, ये था प्राइमरी. अब हम देखेंगे कैंडिडेट की. कैंडिडेट की आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ फील्ड्स फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सिलेक्टेड. कैंडिडेट की मीन्स जितने भी फील्ड्स है जो प्राइमरी की से सिलेक्टेड या रिलेटेड है. इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की फॉर अ टेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन दैट टेबल. दैट मींस जितने भी एट्रीब्यूट्स है, सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है, वो एज ए एक्ट करेंगे एज ए प्राइमरी की ही और वो यूनिकली आइडेंटिफाई भी करेंगे. वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कैंडिडेट की.
इसको हम इजीली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आगे हमने देखा था ऐसे ही एक ब्रांच इन्फो का टेबल है, उसके अंदर आप देख सकते हो ब्रांच आईडी, जो नॉर्मली हम प्राइमरी की भी दे सकते हैं जो यूनिकली है, और ब्रांच नेम उसको भी हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, और ब्रांच कोड उसी को भी हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स की पॉसिबिलिटी है एज ए कैंडिडेट कीज कीज। आगे बढ़ेंगे कंपोजिट की, अ की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी अकरेंस इन कॉल्ड अ कंपोजिट की। दैट मीन्स जो भी एट्रीब्यूट्स नॉर्मली यूनिकली आइडेंटिफाई दूसरे भी कर सकते हैं, जैसे कि एज ए प्राइमरी की हम उसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, एज ए दूसरे भी एट्रीब्यूट्स है जिसको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, बट एनी एट्रीब्यूट्स दैट मेक अप द कंपोजिट की इज नॉट अ सिंपल की इन इट्स ऑन। दैट मीन्स जो भी एट्रीब्यूट्स है वो एज ए कंपोजिट की इज नॉट अ सिंपल की, जो भी कंपोजिट की होगी वो सिंपल की नहीं होनी चाहिए। उसको हम इजीली एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। आप देख सकते हैं कंपोजिट की इन अ ब्रांच इन्फो टेबल, जैसे ब्रांच आईडी इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी की। ओके, सो इसके अंदर हमने देखा था कि जो भी कंपोजिट की है वो आप देख सकते हैं, जैसे हम उसको पॉसिबिलिटी है जैसे ब्रांच नेम को और ब्रांच कोड, ये भी यूनिकली डिफाइन कर रहा है डेटा को, बट वो ब्रांच आईडी दैट्स मीन सुपर की से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद है कंपाउंड की, दैट मीन्स कंपाउंड की भी कंपोजिट की के जैसी ही है, बट इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंट है कि प्राइमरी की इज ऑल्सो सिंपल की इन इट्स ऑन राइट, और उसके अंदर ऑन राइट्स नहीं होता है ऑफ अ प्राइमरी की। ओके, सो दोनों का सेम ही हम बोल सकते हैं, बट एक ही डिफरेंट है, अ प्राइमरी की इज ऑल्सो सिंपल की इन इट्स ऑन राइट, ओके, इन ए कंपाउंड की, बट इन ए कंपोजिट की नॉट ऑन राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन कीज दैट कैन यूज द टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल। सुपर की एक या एक से ज्यादा कीज है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है इन अ टेबल जो रिकॉर्ड को, जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की और अल्टरनेट की आर अ सबसेट ऑफ सुपर की। दैट मीन्स प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेट की सबको मिला के जो भी सबसेट ऑफ सुपर की हम बोल सकते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो इजीली पता चलेगा। जैसे सुपर की ने ब्रांच इन्फो टेबल, ब्रांच इन्फो टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम है, उसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे प्राइमरी की, अल्टरनेट की सबको इकट्ठा करके जो भी सबसेट होता है दैट्स कॉल्ड सुपर की। तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड उसको भी हम दे सकते हैं, और जैसे कि ब्रांच आईडी, ब्रांच कोड भी है, और ब्रांच नेम और ब्रांच कोड को भी हम एज ए सुपर की देख सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जैसे कि ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड, एज ए ये प्राइमरी की भी है, एज ए अल्टरनेट की भी है, और उस सबका सबसेट ऑफ देखे तो दैट्स कॉल्ड सुपर की। ओके, अब हम देखेंगे अल्टरनेट की। अल्टरनेट की आर कैंडिडेट की दैट आर नॉट अ सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। अल्टरनेट की कैन ऑल्सो वर्क एज अ प्राइमरी की। अल्टरनेट की भी एज ए प्राइमरी की यूनिकली ही काम करती है, बट एज ए प्राइमरी की होनी चाहिए नहीं। आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट्स अ सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, रिमेनिंग की आर नोन एज अ अल्टरनेट और सेकेंडरी की। अल्टरनेट की इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंडरी की। दैट मीन्स एक टेबल के अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर एक प्राइमरी की रहेगी, उसके सिवाय की जितने भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे एट्रीब्यूट्स है उसको हम अल्टरनेट की भी बोल सकते हैं, और अल्टरनेट की को हम सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम इजीली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, इन अल्टरनेट की इन अ ब्रांच इन्फो टेबल देख सकते हैं, इन ब्रांच इन्फो टेबल के अंदर ब्रांच आईडी को तो हम एज ए प्राइमरी की यूज कर ही सकते हैं, और उसको छोड़ के जो भी हम ब्रांच नेम है और ब्रांच कोड ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स को, सो दैट्स कॉल्ड अल्टरनेट की भी हम बोल सकते हैं, और उसको हम सेकेंडरी की भी उसको बोल सकते हैं। देन उसके बाद देखेंगे यूनिक की। यूनिक की इज अ सेट ऑफ
one or more attributes that can be used to uniquely identify the record in the table. आगे की देखी उसी की तरह यूनिक की भी एज एक या मोर देन की होती है एट्रीब्यूट्स के ऊपर दी जाती है और वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए ही होती है रिकॉर्ड को. यूनिक की इज अ सिमिलर टू प्राइमरी की बट यूनिक की फील्ड कैन कंटेन अ नल वैल्यू बट प्राइमरी की डजंट अलाउ अ नल वैल्यू. दैट मीन्स एज ए हमने आगे भी देखा था प्राइमरी की प्रॉपर्टी के अंदर कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं रह सकती बट यूनिक की नल हो सकती है. ओके देख सकते हो कि यूनिक की सिमिलर टू प्राइमरी की बट यूनिक की फील्ड कैन कंटेन अ नल वैल्यू. ओके यूनिक की कभी भी नल वैल्यू ले सकती है बट प्राइमरी की डजंट अलाउ नल वैल्यू. दोनों एज ए प्राइमरी की तरह ही वर्क करती है बट दोनों यूनिकली डिफाइन ही करती है बट दोनों के बीच में एक ही डिफरेंट है कि दोनों एक नल दे सकता और एक नल नहीं रह सकता. यूनिक की क्या एग्जाम्पल देखेंगे जैसे आप देख सकते हो ब्रांच इन्फो का टेबल है उसके अंदर ब्रांच आईडी है ब्रांच नेम और ब्रांच कोड है. ब्रांच आईडी को तो हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड प्राइमरी की और ब्रांच नेम को भी पॉसिबिलिटी है एज अ यूनिक की देने की. ओके ब्रांच आईडी भी कभी भी नल नहीं रह सकता बट ब्रांच नेम एज अ कभी भी नल रहेगा दैट्स वो चलेगा. देन हम पढ़ेंगे फॉरेन की. फॉरेन की इज यूज्ड टू जनरेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल. दैट मीन्स फॉरेन की दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन भी करती है. फॉरेन की इज अ फील्ड इन अ डेटाबेस टेबल दैट इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल. दैट मीन्स जो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर हम यूज करेंगे एज ए रिलेशनशिप के तौर पे और वो प्राइमरी की ही दूसरे टेबल की फॉरेन की बन सकती है. ओके फॉरेन की कैन एक्सेप्ट नल एंड डुप्लीकेट वैल्यू. ओके फॉरेन की नल और डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है बट प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती है. इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो इजीली देखेंगे. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे कोर्स रिगार्डिंग टेबल दिया हुआ है. यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट आईडी को हम एज ए प्राइमरी की यूज कर सकते हैं इन दिस टेबल और दूसरे कॉलम भी देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कोर्स आईडी. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स के टेबल में कोर्स आईडी को हमने एज ए प्राइमरी की वर्क किया है. देख सकते हो एज ए प्राइमरी की है जो यूनिकली डिफाइन कर रहा है हर कोर्स को. बट कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स के अंदर है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने कोर्स आईडी को ही एज ए यहाँ पे फॉरेन की दे दिया है. तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप बन रहा है दो टेबलों के बीच में. ओके तो ये है प्राइमरी की और ये प्राइमरी को हम दूसरे टेबल के अंदर एज ए यूज करेंगे तो दैट्स कॉल्ड फॉरेन की. ओके ये था फॉरेन की. आगे बढ़ेंगे स्वर्गत की. ये की इज काइंड ऑफ प्राइमरी की. ये एज ए प्राइमरी की तरह ही काम करती है बट इट इज नॉट अ डिफाइंड बाय अ डिजाइनर. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये भी एज ए प्राइमरी की तरह यूनिकली डिफाइन ही करती है बट नॉट डिफाइंड बाय द डिजाइनर. इट इज अ सिस्टम जनरेटेड रैंडम नंबर विच यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटिटी इन द सिस्टम एंड नॉट अवेलेबल फॉर द यूजर. जो ये सिस्टम जनरेट करेगा रैंडमली ये की को और ये not available for a user. Okay, that's called surrogate key. So, आज हमने देखा what is database key and types of key. Next topic में हम देखेंगे what is database transaction and concurrency.